सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह की एक सभा में यहाँ आना मेरे लिए एक लाभदायक रहा। प्रॉफेट टोनी के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारे ब्रदर फ्रांसिस के लिए, हमारे प्रिय पास्टर ओसवाल के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। सुबह से हम कुछ बातों को सीख रहे, कई बातों को जान रहे, क्योंकि कई बातों को हम सीखे, कई बातों को आप जानते हैं। जब कभी भी हम इस भविष्यवाणी की या भविष्यवक्ता बनने की इस स्कूल के बारे में सोचते हैं, तो हमारे पास एक दर्शन की आवश्यकता है। कई साल मेरे ख्याल 6 या 7 महीना पहले मुझे परमेश्वर ने एक बात किया था, जब पास्टर जी को बताया था कि मैं एक न्यू लाइफ चर्च के कुछ लोगों के सामने मैं प्रचार कर रहा हूं। तो उसी के दूसरे ही दिन मुझे ब्रदर फ्रांसिस ने फोन किए, तो परमेश्वर अपना दिए हुए वायदे को अच्छी तरह से याद रखता है। हमें परमेश्वर ने जितना कुछ वायदे किया है, उस वायदे को आप देखिएगा, आपके जीवन के पीछे मुड़कर देखिएगा, परमेश्वर ने मुझे एक वायदा दिया है, उस वायदे को परमेश्वर ही पूरा करेगा। विश्वास होकर रहना हमारा काम। कई बार कई सेवक लोगों का हालत यही हो जाता है, परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर वचन लेता है, भविष्यवाणी देता है, थोड़ा क्रूस उठा के चलते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? हमें प्रार्थना या हमें दुख सहने का जो बातें हैं हमें पसंद नहीं है। इसका आवाज कम कीजिएगा, मेरा आवाज बराबर है। अरे मैं बोल रहा हूँ, इसका आवाज कम कीजिएगा। ठीक है ठीक है, ओके ओके। खाना ज्यादा हो गया। दोनों ही था, इसी के लिए संभावना है कोई कोई स्वर्ग में जा सके। जैसे परम भाई बोल दिए ना कि परमेश्वर को देख लेंगे तो कहीं ऐसा ना बोल दे कोई बैठे बैठे दर्शन देख लिए सचिन भाई हम गए ऊपर। हम थोड़ा अलग किस्म के प्रचारक है, मैं थोड़ा अलग किस्म का प्रचारक हूँ। हम हंसा हंसा के बात सीख रहे हैं ताकि सब लोग अलग हो जाए, बाद में थोड़ी बात मारा, बाद में आपके सामने आ जाए। परमेश्वर का वायदा जो है हमारे जीवन में होता है। लूका रचित सुसमाचार का 8वां अध्याय देखिएगा, वहां पे एक विधवा का एकलौता बेटा जो है मर गया है, एक विधवा का बेटा जो है मर गया है, अब उसको लेकर सब लोग चले जा रहे हैं। वहां पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि उस विधवा का बेटा जैसे जो उसको लेकर जा रहे हैं, उसी के सामने यीशु मसीह आ गया। मेरे भाई मेरे बहन, जब कभी मृत्यु का सामना यीशु मसीह के साथ हुआ है, मृत्यु हार गया है, यीशु मसीह जीता है। मृत्यु जो कभी मृत्यु यीशु मसीह को हरा नहीं सकी, मृत्यु का सामना जिस दिन यीशु के सामने हुआ, यीशु ने उसके ऊपर जय प्राप्त किया। शायद आप यहां बैठे हुए कुछ निराशा में होकर उस चीज के लिए कोशिश किए होंगे, कुछ दवाइयां जो नींद की बहुत सारी दवाइयां है उसको खाने का प्रयास किए होंगे, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरा मर जाना अच्छा है। परंतु आपके लिए उसी समय एक यीशु मसीह आया, उसने कहा कि बेटा मैं तुझे प्यार करता हूं। उस चीज को कहते हैं एनकाउंटर। आज परमेश्वर हमारे जीवन में एक एनकाउंटर करने के लिए आया है। मैं हार्दिक पांडे के जैसे बैटिंग करने के लिए आया हूं। आखिरी प्रचारक है, आखिरी प्रचारक है, जीतेंगे कि हारेंगे मालूम नहीं, आखिरी प्रचारक है, फटाफट खेल के चले जाओ। आमीन।
मैच के इसी के लिए बोल दिया ना कि हमको जाना है, मुझे पास उस वक्त लातूर जाना है, इसी के लिए बोल दिया। कई परिवारों को मैं देख रहा हूँ, कई परिवारों के लिए परमेश्वर बता रहा था पति पत्नी का रिश्ता के बारे में। पति पत्नी का रिश्ता जो है परमेश्वर से दूर हो चुका है। पत्नी का माइंड अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं है। परमेश्वर आज एक बात कहने के लिए आ रहा है, परमेश्वर एक बात कहना चाहता है, आपके परिवार को बनाने के लिए, आपके परिवार को फिर से खड़ा करने के लिए परमेश्वर एक यीशु मसीह आपके लिए आया। यीशु मसीह जब कभी भी अपनी सेवकाई के क्षेत्र में चलते थे, अपना सेवकाई के चलते आगे आगे चले जाते थे, उनके साथ जो चेला लोग थे, चेला लोगों की हालत भी आज के जैसे हमारे युग की, आज आपके जैसे और हमारे जैसी हालत। उस विधवा के बारे में, विधवा के पुत्र के बारे में हम बातचीत कर रहे थे कि परमेश्वर जो है, मैं इस एनकाउंटर के ही बारे में बात करने के लिए आया हूं। इस एनकाउंटर का मतलब है कि परमेश्वर, एक एनकाउंटर का मतलब साधारण रीति से एनकाउंटर मतलब सामने का व्यक्ति को एकदम नजदीक से गोली मार देते हैं पुलिस वालों को। एनकाउंटर मतलब वही एनकाउंटर मतलब वही वो एनकाउंटर की बात यहाँ नहीं चली। अभी आम लोगों को आमने सामने मारने के लिए यीशु मसीह खड़ा है। आप लोगों के आमने सामने रख के परमेश्वर आपसे कुछ कहने के लिए आया है। स्वर से हम कुछ बातों को देख रहे हैं, स्वर से नए नए दर्शनों को देख रहे हैं। एक बात को परमेश्वर बता रहा हूं, नए युग के नए जवान लोगों का भविष्यवाणी के लिए खड़ा कर रहा है परमेश्वर। पुराने भविष्यवक्ताओं को हटाकर नए किस्म के भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर खड़ा कर रहा है। इसकी शुरुआत अभी से हो रही है। हल्ला नहीं है, इसकी शुरुआत आप आपके स्कूल से हुई है ऐसा कहने के लिए मैं आया हूं। इसका एक हम भाग बन रहे हैं। ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, हमारे लिए और आपके लिए। उस तरह से मेरे जीवन में भी एक समय परमेश्वर का आमने सामने मुलाकात होगी। उस मुलाकात से मैंने भी परमेश्वर से कुछ बातों को सीखा। मैं जब कॉलेज पढ़ने के लिए जाते थे, मैं एक अच्छा सिगरेट पीने वाले थे। अच्छा मतलब उसी के लिए अच्छे बोल रहे ना, कंटिन्यू पीते थे। मेरे जीवन में कोई भी मकसद नहीं था, बस पढ़ाई करके LLB की डिग्री लेना था। बस मेरी मम्मी का एक सपना था कि मैं कुछ देर क्यों ना हूँ लॉयर बनूं। इसी के लिए मैं मेहनत के साथ पढ़ाई किया, माँ ने थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ाया। पर उसी के बीच में सिगरेट, दारू, उसका अलग अलग नशा का आदत लग गया मुझे, और उसके चलते मेरे जीवन में एकदम निराश हो गया, एकदम दुखी हो गया। बस अभी जीवन में कुछ फायदा नहीं, जीवन जीना जो है मेरे लिए मुश्किल हो गया है। अभी क्या है, नशा करने से जो है पूरा ताकत खत्म हो गई है बस। और एक मेरे दिमाग में एक बात आया था कि मुझे मेरे घर वाले लोग जो है कभी नहीं समझेंगे। इसी के लिए मैंने एक दिन अगस्त महीना का पहला तारीख को, उस समय को, एक जहर की बॉटल को हाथ में लेके मैं पुकार रहा था। मैं एक बुद्धिस्ट परिवार से आया हूँ, मैं बुद्धिस्ट फैमिली से आया हूँ। जैसे परम भाई बोल रहे थे, मैं भी वैसा ही बोला, मेरा आखा खानदान में अभी तक कोई मुस्लिम को नहीं ग्रहण किया। मैं अकेला विश्वासी नहीं, सेवक बन गए, अकेले फैमिली नहीं मेरे। उस समय जहर की बोतल को हाथ में लेके मैं कई भगवानों को पूजा पुकार रहा था, यदि कोई परमेश्वर है तो मुझे आज मैं जहर पीने से पहले मुझे सामने दर्शन लेके बताए। मुझे उस समय जितना कुछ देवी देवताओं के नाम थे सब लोगों के नाम ले रहा था, कोई परमेश्वर नहीं आया। उसी समय मैं एक बात को जानता हूँ, एक हमारे घर में तब लाइट नहीं था, ये आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस समय मेरे रूम में बहुत तेज रोशनी आ गई, बहुत बड़ी तेज रोशनी। आज तक
उस रोशनी को मैं कभी नहीं भूला। और उस रोशनी आने के बाद वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हो गया सफेद कपड़ा में, उसने दो शब्द दो बार बोला मुझे। पहला शब्द बोला, बेटा सचिन मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। दूसरी बार उसने बोला, सचिन मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, अरे आप है कौन? क्योंकि मेरे लिस्ट में जितने भगवान लोग थे उसमें ये नहीं थे। उसी समय में मैंने वो जहर की बोतल को फोड़ा और बोला कि शायद इस दुनिया में मुझे समझने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए कोई भी नहीं है। शायद जिन भगवानों को मैं पूजा करता था वो भगवान भी गलत है। इसी के लिए मैंने उस बोतल को फोड़ कर पी लिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे मेरे डॉक्टर रिपोर्ट है मेरे पास। दो दिन मेरा सांस और नाड़ी बंद था, तीसरे दिन जिंदा हो गया। जैसे जैसे उस समय उस विधवा के पुत्र के बारे में मृत्यु के साथ एनकाउंटर हो गया यीशु मसीह का, उसी तरह से जब हम भी मर गए थे दो दिन, उसी समय पे परमेश्वर यीशु मसीह ने एनकाउंटर किया उस मृत्यु को और कहा कि ये जो सूखी हड्डी है, ये सूखी हड्डी केवल मेरे कार्य के लिए दी जाएगी। हर दिन हर समय जब कभी भी हम सेवकाई को आगे बढ़ते हैं, सेवकाई को आगे करते रहते हैं, हमारे जीवन में व्यक्तिगत पर्सनल इनकाउंटर परमेश्वर का होने की बहुत जरूरी है। कई लोग देख रहा हूं मैं, कई लोग कई बातों की बात को जो रहे हैं, आप में से कई लोग कई बातों को परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर ये बात मेरे लिए कब पूरी होगी, परमेश्वर ये बात मेरे लिए कब पूरी होगी। मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, परमेश्वर आपकी बातों को सुना है, आप धीरज के साथ विश्वास योग्यता में रहिएगा। यहाँ एक व्यक्ति के बारे में हम अच्छा से जानते हैं, उसका परमेश्वर ने कैसे एनकाउंटर किया है। उत्पत्ति का किताब में 15 अध्याय अगर आप देखते हैं, उत्पत्ति का किताब उसका 15 अध्याय का दूसरा वचन में यदि उस अब्राहम के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, पर उसका 3 वचन जो है उस बात में कुछ खास बातें हैं। अब्राहम 15 अध्याय का 2 वचन में इस तरह से परमेश्वर को बोलता है, प्रभु देखिएगा मेरा घर में कोई और नहीं है, मेरे घर में तो कोई तूने बच्चा नहीं दिया है, एक काम करो मेरा जो सेवक जो एलियाजर है वो मेरा जो है मेरा आगे चल के मन चलाएगा। उसी समय हिंदी में एक शब्द आया, तब यहोवा ने कहा। ये तब यहोवा ने कहा है, इसको कहते हैं एनकाउंटर। अरे अब्राहम तू जहां कह रहा है कि तुझे कोई वंश नहीं होगा, अरे अब्राहम तू जो कहता है कि तेरा सेवक लोग ही आगे चल के, तेरा नौकर का वंश आगे चल के रहेगा, पर ये तेरा सोच है, मेरा सोच ये है कि तुझे एक नीच पुत्र होगा और उसी के हाथ में सपा को कहते हैं एनकाउंटर। अभी अब्राहम का एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हो रहा है। अब्राहम को परमेश्वर बोल रहा है कि सुनो तुम्हारे लिए एक नीच पुत्र होगा, और फिर उसको हाथ पकड़ के बोला देखो उस तारा को देखिएगा, ये तारा जितना देख रहा है ना वो सब तुम्हारे लिए हो। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर जब कभी किसी को पकड़ता है या उसका एनकाउंटर करता है, उसके पीछे परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना रहती है, सबसे बड़ी योजना परमेश्वर की रहती है। शत्रु की योजना हमेशा हमें नष्ट करने की रहती है, शत्रु की योजना हमें हराने की रहती है, परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर यीशु मसीह का, उसकी योजना उनकी योजना हमें बनाने की, हमें बढ़ाने की योजना रहती है। अब्राहम के जीवन में यह नहीं था, जैसे फ्रांसिस ब्रदर मूसेस के बारे में बता रहे थे, ये मूसा जो है 40 साल तक एक राजमहल में रहा है, 40 साल तक राजमहल में रहा है, कई प्रकार की बातों, कई प्रकार की भाषाओं को सुना है। 40 साल के बाद क्या किया है? जंगल में चला गया है। 40 साल फिर क्या कर रहा है? भेड़ बकरी चला रहा है। 80 साल हो गया भैया, 80 साल हो गया। 80 साल में क्या हुआ है? उसका बुद्धि खत्म हो गया है, उसका दर्शन खत्म हो गया है। मुझे परमेश्वर ने किस लिए बुलाया था? 80 साल हो गया है,
80 साल हो गया, 80 साल में आपने क्या है, भेड़ बकरी अपना पास्टर, भेड़ बकरी चराओ। अभी मूसा अपने जीवन की सारे दर्शन की बातों को भूल गया है, मूसा अपने जीवन की सारे अस्तित्व की बातों को भूल गया है, उसको कुछ मालूम नहीं है, उसका साधारण भेड़ बकरी ही उसके लिए सब कुछ है। इसी के लिए भेड़ बकरियों के साथ घूम हो रहा है। उसी समय निर्गमन का तीसरा अध्याय में परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हो रहा है। हालेलुया, बोलेंगे नहीं जी? हालेलुया। सब लोगों का आवाज से मैं हालेलुया बोलूं मैं तो सबसे ज्यादा ज्यादा है ना। हालेलुया। निर्गमन का तीसरा अध्याय में अभी मूसा का एनकाउंटर करने के लिए परमेश्वर आके खड़ा हुआ। अभी परमेश्वर उसको कह रहा है मालूम है क्या, सुन मूसा, तू जिस जगह पे खड़ा है वो भूमि पवित्र है। इसका अर्थ क्या है मालूम है क्या, जब आपके लिए परमेश्वर दर्शन देने की बात कर रहा है, जहां परमेश्वर ने आपके लिए आपका सेवकाई के लिए दर्शन दिया है, उस सेवकाई को दर्शन देते समय आपकी और हमारी यही प्रार्थना रहनी चाहिए, मुझे परमेश्वर के साथ हर दिन हर समय में हर एक दिन नई चीजों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर मुझसे मुठभेड़ करने की और एक बार आवश्यकता है। ये नए सीरी की बातें, नए युगों का, नए प्रॉफिट, नए भविष्यवाणी का बातें जो है, इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए परमेश्वर एक योजना रखकर आप लोगों को इस जगह पर लेकर आ रहा है। इसी के लिए जब कभी भी हम सोचते हैं हमारे सोच विचारों से परे रहने वाला परमेश्वर जो है उसकी सारी बातें हैं। मर पास्टर गुप्ता जी यहां पर हैं, उनको मालूम है जेम्स का सेवकाई के बारे में, क्योंकि उनका बेटा और बेटी हमारा जेम्स बिहार में पढ़ते हैं। 2012 में 1 जून को परमेश्वर ने मुझे कहा था कि तुमको जेम्स बिहार जाना है, जेम्स बिहार जाना है। हम सिर्फ जेम्स का नाम सुने थे, उनको मालूम नहीं था कैसा जाते हैं। नांदेड़ से एक ट्रेन जाती है, बड़ा ईमानदार ट्रेन है, नांदेड़ से ट्रेन जाती है दीक्षा भूमि एक्सप्रेस, तो वो एवरी फ्राइडे है रहती है, अभी है कि नहीं मालूम नहीं। और उस समय जो है 170 रुपये मेरे था जेब में, 170 रुपये, 2012 की बात करें। और नांदेड़ से बिहार जहाँ हमारा जेम्स का डेयरी ऑन सोन का ऑफिस है, वहाँ जाने के लिए 650 रुपये चाहिए था। परमेश्वर ने कहा 1 तारीख को जाना है। हम बोले प्रभु ठीक है, आप बोले जाएंगे, और उसके 15 दिन से मेरे जेब में 170 रुपया बचा। तो हम उस 170 रुपया को रोज देख के प्रार्थना करते थे, बोलते थे परमेश्वर इसको 1700 आप ही बना सकते हैं, इसको 17 भी आप ही बना सकते हैं और 7 भी आप ही बना सकते हैं। मेरा एक ख्वाहिश था कि कम से कम इसका 1700 बने। 10 दिन लगातार प्रार्थना करते रहे परमेश्वर, तो डर भी लगता था 170 में से कम तो नहीं हो, फिर जाना है, एकदम पक्का है जाना है। 1 तारीख परमेश्वर ने कहा है उस समय जाना है, उसमें कोई चेंज नहीं। 25 तारीख तक 170 रुपया रहा। हम बोले शायद गलत सुन लिया, परमेश्वर ने नहीं कहा, गलत सुन लिया, 170 रुपये में जनरल में भी नहीं जा सकते। और मैं जिस शहर से हूँ वो लातूर में बन रहा शहर जहाँ से मैं आया हूँ, तो लातूर से नांदेड़ जाने के लिए बस से 130 रुपये लगता है, 130 गया तो 40 रुपये, 40 रुपये में कैसे जाएंगे ट्रेन। 25 तारीख आ गया, 26 तारीख आ गया, मेरा विश्वास थोड़ा कम होने लगा, जब परमेश्वर ने कहा कोई दूसरे ने कहा। धीरे धीरे है मैंने बोला है, परमेश्वर ने बोला है ना प्रोवाइड करेगा। मैं तब एक मेरे पास एक नोकिया का फोन रहता था, बहुत छोटा फोन था, उस फोन में मैं कभी देखते नहीं थे ईमेल वगैरह कैसा चेक करते, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था, ज्यादा देखते नहीं थे। 28 तारीख को ईमेल देखने के लिए मैं नेट से थोड़ा सा देखने के लिए, वहां पर किसी ने तो टिकट भेजा मुझे नांदेड़ से हरिवंशन, ठीक है सही कहानी आगे है, सही कहानी आगे है।
नांदेड़ से ढीरियों सुन का टिकट भेजा, वो भी कंफर्म है। 2012 से लेकर वो सवाल सर को भी काम है, 2012 से लेकर 2017 तक रोज प्रार्थना करता हूँ क्या परमेश्वर, अरे कौन था वो जिसने टिकट भेजा मुझे एक काम करने, कम से कम कौन था उसका एक बार नाम तो बताओ, कम से कम उसको बोले जाकर थैंक यू सो मच आपकी वजह से आए। मैं 170 रुपया लेकर बिहार गया था फ्री में, मैं आज बोलता हूँ बिहार का सेवक है कि मैं फ्री में गया क्योंकि मुझे मालूम था, मुझे मालूम था, मुझे जाते समय परमेश्वर ने कहा था हम गए नहीं थे, मैं गया नहीं था, मुझे लेके गया था परमेश्वर। लेके जाने वाली बातें जो है मेरे जीवन में, आप लोगों का विश्वास रुपया कैसा रहा, हम जब आगे चलते हैं परमेश्वर की बातों में आगे आगे चलते हैं। परमेश्वर ने कई बातों को मुझे बॉम्बे में सिखाया, कई बातों को जब मैं भी इधर 2 साल रहा हूँ, और शकीना हमारा बाइबल कॉलेज चलता था ना, वो चारों में मैं उसका मॉडरेटर रहा हूँ, मतलब जितने पुराने लोग थे सब मुझे जानते हैं। तो यहाँ 2 साल रहा हूँ फिर भी कहीं एक जगह पे छोड़ देंगे आज भी बॉम्बे में तो भूल जाएंगे, पास्टर जी को फोन करके परेशान हो जाएंगे, पास्टर आज कहाँ गए। 2 साल इधर मैं बॉम्बे में रहा हूँ, 2 साल में परमेश्वर ने मुझे कहा था कि कई जवानों को सचिन में तुम्हारे हाथ में दूंगा, उनको तुम तैयार करो। मैंने कभी ट्रेन नहीं देखा था, लातूर जब छोड़ रहे थे कभी ट्रेन को नहीं देखा था, मैं तो टीवी में देखते थे, कभी बॉम्बे का सिर्फ नाम सुना था कि बॉम्बे ऐसा ऐसा शहर है, बड़ा शहर है, कभी सुने नहीं थे। पहली बार ट्रेन का सफर किए, बॉम्बे में आए, जो कपड़े का बैग था वो चोरी हो गया। पहली बार बॉम्बे में आए, बराबर कल्याण में आए, कल्याण में कल्याण हो गया। अभी माफ करना कोई कल्याण से है तो बुरा मत मानना, कोई कल्याण से तो कल्याण में कल्याण हो गया। लोकल ट्रेन मालूम नहीं था ना कैसे, मैं बैग भीग लेके आया था, जैसे ही अंदर घुस गए वो भीड़ थी, मालूम ही नहीं था कितना भीड़ रहता है, फोन बैग उठा के लेके मालूम ही नहीं। दूसरा स्टेशन आते आते मोबाइल, वो टाटा इंडिकॉम बोल के एक मोबाइल चलता था, दूसरा स्टेशन में मोबाइल का पॉकेट भी गया। बाप रे सत्यानाश, वो बॉम्बे में छिपा गए अपना खैर नहीं है, भागो कपड़ा विपड़ा छोड़ो, एक ही ड्रेस है उसमें क्या करेंगे, भागो। पैसा भी था कुछ, पैसा को संभाल संभाल के रख रहे थे, 7 रुपया था ईमानदारी से, 7 रुपया। 2010 की बात कर रहे हैं, 2010 में मैं इधर बॉम्बे में पहली बार आया, 2010 से 2012 तक मैं इधर बॉम्बे में रहे। उसी समय में परमेश्वर ने मुझे जो 10 में मुझे दर्शन दिया था कि ऐसे ऐसे बाइबल कॉलेज में तुमको मैं भेजूंगा, उस बाइबल कॉलेज के कई एक जवानों को तुमको तैयार करने के लिए मैं भेजूंगा, कई एक जवानों को मैं तुम्हारे हाथ में दूंगा, उनको तुम सेवकाई के लिए तैयार करोगे, और तुमको मैं उसी समय तैयार करूंगा उत्तर भारत की सेवकाई के लिए, नॉर्थ इंडिया की सेवकाई के लिए। उसी समय उस कठिनाइयां हमारे साथ हमेशा रहती है, कठिनाइयां जो है हर दिन हर समय में रहती है, कठिनाइयां देख के हम कभी कभी, पर इतना मैं बोल सकता हूं जब से सेवकाई में हूं, कठिनाइयां बहुत आई, कठिनाइयां बहुत आई, पर कभी परमेश्वर को एक वायदा दिया, परमेश्वर को एक वायदा हमेशा देते हैं, परमेश्वर को एक ही बोलते कि प्रभु को कुछ भी नहीं चाहिए, जो कुछ भी नहीं चाहिए उससे प्यार करना, मुझे सिर्फ तू चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए। बस ये बात जो है मेरे जीवन में पूरा मेरा जीवन को बदल देगा। परमेश्वर को मैं हमेशा एक ही बात बोल रहा हूं, परमेश्वर हमको किसी का कुछ लेना देना नहीं, हमको कोई प्यार ना करे कोई दिक्कत नहीं है, हम घर छोड़ के कोई दिक्कत नहीं, बस ये काम करना है परमेश्वर मैं तुझसे ज्यादा प्यार करूं। आप लोगों में से परमेश्वर शायद पूछ रहा है, मेरा बेटी क्या तुम उससे प्यार करती है, मेरा बेटा क्या तुम उससे प्यार करता है, पर एक वर्ड लगा रहा हूं, क्या इन सबसे बढ़कर तुम मुझे प्यार करते हो, क्या इन सबसे बढ़कर का अर्थ है आज तुम्हारे पास जो जो चीजें है वो नहीं रहने के बाद अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो
राजाओं के जीवन में बहुत कुछ रहता है, राजा को तुरंत एकदम जीरो में लाए तो पागल हो जाएगा वो पागल हो जाएगा और वो अपने राजा का भिखारी बन गया। भिखारी अगर परमेश्वर के लिए भिखारी बनने की चाह रखने वाले ऐसा बोलेंगे तो मेरे ख्याल से कोई हाथ ही नहीं उठाएगा। अरे बाबा भिखारी बनाएंगे क्या? परमेश्वर की चाह मेरे जीवन में हुआ। कई बार कई बीते दिनों में मेरे घर में घटना हो गई। हमारा लातूर में बीएमसी का ऑफिस बीएमसी बना तो हर जगह जगह पे वो अतिक्रमण हटाने के लिए आते हैं। तो मेरा घर जो है, मैं जहाँ रहता हूँ, वो 30-40 साल पहले वो ज़मीन मेरे दादी ने ऐसा ही रखे थे, पकड़े थे तो भी कहा, तो हमको नोटिस वगैरह नहीं आया, डायरेक्ट बुलडोजर आ गया। अरे घर गिरा, पास्टर जी से फोन किया वो सर सर को। अरे मैं सच बता रही हूँ क्योंकि पास्टर जी से हमारा ज्यादा बातचीत चलते रहता है। वो मेरे लिए विटनेस है। वो सवाल पास्टर आप बात में पूछ लीजिए, मेरे लिए विटनेस है। इसी के लिए मैं विटनेस के सामने बोल रहा हूँ। लॉयर है ना, हम भी लॉयर है। कभी गए नहीं जेल गए पर कभी वकालत नहीं गए। तो बुलडोजर आके खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद हम कई अनुसार जेल में भी गया है क्या बाद में बताइए। वो बुलडोजर आके खड़ा हुआ, मैं सोच रहा था, मैं बिहार में था, मैं पास्टर जी को बोला, पास्टर जी अरे प्रार्थना कीजिएगा, अगर घर टूट गया तो अनाथ हो जाएंगे क्योंकि अपने पास घर ही नहीं, लातूर में घर ही नहीं। हम तो ठीक है, प्रभु का दया से गुप्ता पास्टर को मालूम है जेंट्स में कैसा है सब। तो दुख हो रहा था कि अगर घर गिरा दिया जाए क्या होगा। परमेश्वर ने भविष्यवाणी दिया घर नहीं गिरेगा। हाँ घर नहीं गिरेगा ठीक है, थोड़ा सा शांति है, बुलडोजर सामने है ना, बगल वाले का घर को पूछे, उसका पेपर वगैरह पूछे, उसका गिरा दिया गया। और मेरा भाई फोन करके बोल दिया, बाप रे आगे अपना नंबर है, सत्यानाश गया घर भी। चमत्कार होगा, परमिशन वादे दिया था घर गिरेगा। वो बीएमसी वाले तुरंत चले गए। मेरा भाई को लगा ना कि शायद आज के दिन छोड़ दिए, कल आके गिरा दिए। तो मेरा अंदर एक विश्वास आ गया, क्या क्या आज के दिन नहीं गिराए घर, कभी नहीं गिराएगा। मैंने उसके बाद बोलूँ, आज अगर वो घर नहीं गिराए ना, वो कभी भी आने वाला आएंगे ही नहीं, घर गिराया नहीं जाएगा। तो केवल 4 या 5 दिन के अंदर में बीएमसी से हमारे घर को एक लेटर आ गया, लेटर। तो मेरा भाई लोग बहुत परेशान हो गए, नोटिस विटिस आ गया घर। वो था बीएमसी से टैक्स पाउटी, उसमें लिखा था कि आपका 1 साल का टैक्स जो है सिर्फ 900 है, 900 भर दीजिए, घर का जमीन आपका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घर गिराया नहीं गया, आज उधर ही है, थोड़ा सा बन रहा। अरे भैया कैसे हो गया? हाँ कभी कभी हमारे जीवन में, आपके जीवन में भी ये चीजें होता है ना, कभी कभी हम विश्वास में आगे बढ़ते 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 जाते हैं। ये चीजें, ये सारी बातें हमारे जीवन में होती है, संभावना होता है कि हम विश्वास करें या विश्वास से पीछे हट जाए। कई बार कई मीटिंग में हम परमेश्वर के लिए दिल खोल कर जगा देते हैं, परमेश्वर तेरे लिए कार्य करेंगे, परमेश्वर तेरे लिए इस जगह पे जाएंगे, परमेश्वर तेरे लिए कुछ कार्य करेंगे। कई जगह पे हम कई बातों के लिए हाथ उठाते हैं, कई सेवकाई के लिए हम हाथ उठाते हैं, परमेश्वर के लिए कहते हैं, पर जब परमेश्वर कहता है क्या तू मेरे लिए कुछ करेगा, उसी समय चूक जाते हैं। उसी समय चूक जाते हैं। परमेश्वर के लिए कहेंगे कि मैं तेरे लिए करूंगा, प्रभु तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं, पर यदि परमेश्वर बोलेंगे मुझे तू चाहिए, उस समय हार जाए। मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं सोचा, मैंने एक ही बोला, 2 दिन मरने के बाद अगर 3रा दिन परमेश्वर जिंदा कर सकते हैं, अभी हम मरेंगे नहीं, किधर भी जाएंगे।
याकूब के जीवन में भी हुआ है। याकूब के जीवन में उस वचन को हम अच्छी तरह से जानते हैं। जब उत्पत्ति का 30 अध्याय 32 अध्याय में वो पेनियल की एक जगह पर खड़ा है। याकूब के बारे में हम अच्छा सा सब बाइबल में जानने वाले लोग, उस याकूब का नाम का अर्थ है फंसाने वाला, लुभाने वाला है, वो धोखा देने वाला है। इस तरह का स्लोगन जो है उस याकूब के जीवन में लगा है। अभी उसके सामने परमेश्वर उसके लिए एक मुठभेड़ बन रहा है। परमेश्वर उसके सामने आया एक दूत बनकर। याकूब को पता चला बस मेरे लिए एक ही मौका आया है, अभी बस मेरे लिए एक आखिरी मौका आया है। इसी के लिए उस दूत के साथ रात तक वो युद्ध कर रहा है, मरुद्ध कर रहा है, एक ही बात जानने के लिए, क्योंकि वो जाना है कि मेरा नाम अगर कोई बदलने वाला है तो यही परमेश्वर है जिसके ऊपर मैं विजय प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। परिस्थिति कई लोगों के जीवन को देख रहा हूं, परिस्थिति तुम्हारे परिवार से बहुत अलग है। कई बार तुम्हारे जीवन की परिस्थिति तुमको खा जाने की सोची है। इसी के लिए आप अपना परिवार से कई बार दूर जाने की बात कर चुके हैं, पर परमेश्वर कहता है तुम्हें मैं उस याकूब से हटाकर इज़राइल बनाने के लिए आया, तुम्हें याकूब से हटाकर इज़राइल इसी के लिए बनाऊंगा ताकि लोग ये जाने कि जिसको लोग बोलते थे ये फंसाने वाला है, लुभाने वाला है, इसी को कहेंगे ये आज एक देश का नाम से जाना जाएगा, उसी का नाम इज़राइल होगा। सुंदर, हमारे पास्टर भैया सुंदर आराधना कर रहे थे सुबह, बहुत अच्छी आराधना कर रहे थे। परमेश्वर की उपस्थिति को भी मैंने भी देखा, बहुत परमेश्वर की उपस्थिति थी और कितना दर्शन देखा, कितना याद रखेंगे, स्टोरेज करना मुश्किल है। मैंने एक दर्शन को देखा था कि मैंने बीते दिनों में बोला था इस मीटिंग के लिए, जब हम मैं फ्रांसिस ब्रदर ओसवाल पास्टर जब प्रार्थना कर रहे तो मैंने देखा था कि कुछ ईगल्स आके खड़े हैं यहाँ, ईगल्स आके खड़े हैं, इसको मैंने देखा था। और ईगल जो है ये आप लोगों में से कुछ लोगों को लेकर एक ऊंची उड़ान भरने के आए हैं, ऊंची उड़ान भरने के आए हैं। कुछ बहन लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे दुखों का अंत मैं करने के लिए आया हूं। परमेश्वर कुछ बहनों को कहने जा रहा है कि तुमने जो खोया है उसको तुम पाते हुए देखोगे। जिस चीज को खोया है उस चीज को तुम्हारे आंखों के सामने पाओगे। परमजीत के लिए परमेश्वर ने बताया था मुझको, इससे तुम्हारा सीमाओं को बढ़ाओ बोल रहा है परमेश्वर, उसको मालूम ही बात नहीं थी, इसमें पूछ लीजिएगा सर। सीमाओं को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने आपको कहा, सीमाओं हमारे और आपके जीवन की कहानी यही है। हम कभी भी, मैं कोई बड़े मीटिंग में कोई बड़ा प्रचारक का मीटिंग अटेंड नहीं किया हूं, कभी भी नहीं किया, क्यों तो पता नहीं। मैं एक ही परमेश्वर से बोलते थे, आज भी एक ही बात के लिए टर्न रहते हैं कि परमेश्वर कुछ भी हो जाए तुझसे प्रेम करना, तुझसे प्रेम करना। आस्ते जी को मालूम है हमको आस्थमा का प्रॉब्लम है, आपको लगता है आस्थमा है, हमको आवाज से पता चल रहा है कि आस्थमा है हमको, पर है हमको आस्थमा का प्रॉब्लम है, अभी नहीं है। नहीं है, यस आमेन। मैं जब बिहार में इधर बैठ रहे थे ट्रेन में तो उसको खांसी हो गया बहुत, इससे भी ज्यादा खांसी, और खांसी से मेरा सर जो है पूरा भारी होता था, तो सो जाते थे हम तो खांसी होता था, बहुत खांसी होता था। तो ट्रेन में हमको आदत है कुछ किताब पढ़ने की, तो हमारा हिंदी मैगजीन आता है आत्मदर्शन, उसको पढ़ रहे थे तो मैं बहुत खांस रहे थे, तो नीचे वाले लोग बोल रहे थे कि अरे यार कुछ ले लो, बहुत खांस रहे। तो मैं वहाँ पर बोले बाप रे इतना हम खांसेंगे तो कैसे जाएंगे,
थोड़ा ये होने लग गया। मैं वो किताब को रख दिया और एक परमेश्वर को बोल दिए, प्रभु तूने कहा था तू लेके जाने वाला है, उस जगह पे जाना है, खासेंगे तो कैसे होगा। दो मिनट के लिए या एक मिनट के लिए प्रार्थना करके हम बहुत खांसी होने से थक गए थे, इसलिए सो गए। सो गए तब से डायरेक्ट कल जो जो ठंडा पी लिया इसी के लिए खांसी हुआ, अभी तक खांसी नहीं हुई। विश्वास योग्यता का जीवन और ये व्यक्तिगत मुठभेड़ जो है हम लोगों के जीवन में बहुत बहुत मायने रखती है। हम विश्वास योग्यता में आगे बढ़ते 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 क्या होता है, कई बार हमारे लिए कुछ समस्याओं की बातों को देखते हैं हम, कुछ समस्या देखने से क्या होता है, हम उस परमेश्वर को देखते नहीं है जिसने आकाश और सृष्टि के साथ साथ हमको बनाया है, पर हम उस समस्या को देख लेते हैं, वो समस्या हमारे लिए बड़ी हो जाती है और परमेश्वर जो है हमारे लिए छोटा हो जाता है। इसी के चलते हम हमारे जीवन में फेल हो जाते हैं। मसीहत की सबसे बड़ी दर्दनाक बात क्या है, पीछे हटना। सबसे बड़ी बात इस बाइबल में वही एक सबसे बड़ी बात करती है कि परमेश्वर को चुनता है, परमेश्वर को अभिषेक करता है, उसको कहता है कि इस चीज के लिए मैंने तुझे चुना है, इस चीज के लिए मैंने तुझे बुलाया है, इस चीज का अभिषेक मैंने तुझे किया है। पर वही व्यक्ति जब परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करता है, सबसे पहला दुख परमेश्वर को, सबसे पहला। क्यों? परमेश्वर तो किसी के लिए व्यक्ति करता है, इस व्यक्ति को मैंने मेरे कार्य के लिए चुना था, आज वही व्यक्ति फेल हो गया। मेरे भाई मेरे बहन, आज हम मैं आपसे एक बात करने के लिए आया हूं, परमेश्वर आपको उस सेवकाई के लिए बुलाया है, उस सेवकाई को करने के लिए विश्वास योग्यता के साथ जब आप दौड़ते हैं, पीछे की ओर मुड़ के देखें, पीछे की ओर अगर मुड़ के आप देखेंगे, सबसे पहले दुख उस परमेश्वर को होगा, सबसे पहले दुख उस परमेश्वर को होगा कि मेरा बेटा को मैंने अभिषेक किया है मेरा कार्य के लिए, मेरा बहन को मेरा बेटी को मैंने इस कार्य के लिए चुना, पर आज वो उस कार्य से हट गई है। सबसे बड़ा दुख का बात ये रहेगा कि हम जानबूझ के वो परमेश्वर को दुख देंगे। सबसे बड़ी आपके जीवन की मेरे जीवन की सबसे बड़ी खतरनाक बात यही है। एक गवाही, सच्ची गवाही मेरे जीवन में जो घटी है उसको बताएंगे। चेन्नई में अगर आप जाएंगे तो चेन्नई में कैंसर रिसर्च सेंटर बोलकर है, अभी भी है, वेल्लूर में कैंसर रिसर्च सेंटर बोलकर एक जगह है, और हमारा संस्था जो है तमिलनाडु से अटैच है, इसी के लिए हमको तमिलनाडु में कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए जाना पड़ता। मैं एक बार चेन्नई में गई थी, चेन्नई में जाने के बाद मैं एक जगह पर हमारा ऑफिस में बैठे थे कुछ बात के लिए, तो उस समय एक लड़का मेरे पास आया, उसके उसको फूटा फूटा हिंदी आता था, उसका नाम था सैम, वो आके मुझे बोला कि भैया यहाँ एक हॉस्पिटल है, आप मेरे साथ हॉस्पिटल में चलिए। मैं बोला ओके कोई बात नहीं है, क्योंकि रात में तो मीटिंग में गवाही बताना था मुझको, इसी के लिए मैं बोला ठीक है चलिए। तो मैं वो बोर्ड को नहीं पढ़ा था, इसी के लिए अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद उसने बोला कि भैया इस लड़के के लिए प्रार्थना कीजिएगा। तो मैंने लड़के का उम्र देखा, मैं पूछा बाबू बेटा तेरा उम्र, बोले कि 24 साल। मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो उसने बोला कि भैया वहाँ एक लड़का है, वहाँ उसके लिए, उसका उम्र था 22 साल, और एक लड़का देख उसका उम्र था 23 या 29 साल। मैं बोला कि ये सब जवान लोग ही है, क्या हुआ है? तो फिर वो नर्स को मैं पूछा ये हॉस्पिटल कौन सा है, तो वो नर्स मुझको बोली ये कैंसर का हॉस्पिटल है। जैसा उसने कैंसर का हॉस्पिटल बोला, मैं वो चेयर पे बैठ गया और अपने आप में सोचा कि कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या 30 साल से भी नहीं है, सब जवान लोग हैं, सब जवान लोग। और वो लड़का हमेशा मुझको भैया उधर एक है बोलकर सब जगह पर लेके जा रहा था, विश्वास नहीं कर। 2.5 घंटा हम एक एक के लिए प्रार्थना किए, पानी तक नहीं पिए। वो सिर्फ एक ही बोलता था, अरे उसको डॉक्टर ने बोला है 7 दिन में मर जाएगा। तो मुझे बहुत दुख होता था, 22 उम्र है 25 उम्र है, होता था भैया इसको 3 ही दिन बोला है 3 दिन में मर जाएगा। वो 2.5 घंटा हम एक एक के लिए प्रेयर किए, तब जाके वो लड़का बिस्लेरी का बॉटल लेके आया और बोला भैया पानी पी लीजिएगा आप थक गए हो।
तो मैं एक चेयर पे बैठ के पानी पी रहा था, तो मैंने देखा कैंसर सेंट्रल हॉस्पिटल। तो मैं बैठ के पानी पीते बोला उसको, अरे यार साहब, आपको परमेश्वर ने बहुत अच्छा सेवकाई दिया है कि आप ये कैंसर लोगों के बीच में सेवकाई करते। मैं ऐसा बोल रहा हूँ उसको, तो बोला कि चले भैया जाते हैं बाहर। जाते समय उसने बोला, भैया मैं कारपेंटर था। बोला हाँ अच्छी बात है, मैं कार पेंटिंग करने के लिए एक बिल्डिंग पे चढ़ा था, तो मैं कार पेंट कर रहा था, उसी समय क्या हो गया, ऊपर से मैं गिर गया। गिरने से मेरा सर जो है फट गया, और फटने के बाद क्या हुआ, मेरा खून ज़्यादा गिरने से मुझे हॉस्पिटल में डाला गया, और मेरे पास पैसा नहीं था, इसी के लिए मुझे ब्लड चढ़ाया गया। जिसका ब्लड चढ़ाया गया उसको ब्लड कैंसर था। भैया मैं, मुझे ब्लड कैंसर है, 20 दिन में मैं मर जाऊंगा। जैसा ही वो साहब ने मुझे बोला 20 दिन में मर जाएगा, मैं एकदम चक्कर आने के जैसा, 22 लोगों के लिए प्रार्थना किया मैंने, 22 लोग। उसने बोला भैया इसके लिए कीजिए, 22 लोगों के लिए। एक मिनट भी वो सामने मुझे बोला नहीं कि भैया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं 20 दिन में मर जाऊंगा। उसने एक ही बोला, भैया आप 22 लोगों के लिए प्रार्थना किए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं मर भी गया ना तो मुझे परमेश्वर एक रिवार्ड देगा, 22 लोगों को बचाया मैंने। उसका वो बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा हो गया, कहां अर्पणता है मेरी, मेरी अर्पणता कहां तक है, कि घर छोड़ दिए, माँ बाप को छोड़ दिया, ये अर्पणता है। सही अर्पणता का जीवन तो वो लड़का जी रहा था जिसको मालूम था कि 20 दिन में वो मर जाएगा, और एक बार भी नहीं बोला भैया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मैं 20 दिन में मर जाने वाला हूँ। यही बात को लेकर जब मैं चेन्नई से बिहार के लिए बैठ गया, बिहार में आने के बाद 4-5 दिन के बाद मैंने फोन किया उसका नंबर से, तो कोई दूसरा ही उठाया, तो मैंने बोला शाम है, तो बोले भैया मर गया ना कल। जैसे ही वो सामने ने बोला कि वो मर गया, मैं तुम्हारा रोने लगा कि परमेश्वर मेरा अर्पणता तो उसके सामने कुछ भी नहीं, मेरा अर्पणता उसके सामने कुछ नहीं। 22 लोग, एक ही बोला उसने, भैया मैं मर जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, 22 लोगों को मैं जिंदगी बचा लिया हूँ, क्योंकि यीशु के बारे में सुना है, आप प्रार्थना किए निश्चित वो स्वर्ग में रहेंगे, मेरे लिए रिवार्ड मिले। आप लोगों की अर्पणता कहां तक है भाई बहन, आप लोगों की अर्पणता कहां तक पहुंची है? असली जीवन में जीते समय, इस परमेश्वर की मुठभेड़ की बातों को करते समय, आपका जीवन में किस तरह की अर्पणता आपके पास आई है आपकी? या यदि आप मेरी जगह रहते और मैं उस कैंसर पेशेंट रहता, सबसे पहला मैं ये बोलता था, भैया 20 दिन है मेरे लिए प्रार्थना करो, एक शब्द नहीं बोला। उसी समय मैं सोचने लगा, मैं जिस अर्पणता को सोचता हूँ, मैं जिस अर्पणता के लिए सोच रहा हूँ, वो अर्पणता कुछ नहीं, सही अर्पणता जो है उसने हम कुछ किया। आइए हम खड़े हो जाए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरी स्तुति करते हैं राजा, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर, हमारे इस एक एक जवानों के जीवन में परमेश्वर तेरी व्यक्तिगत मुठभेड़ होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक एक के जवानों के जीवन में नए दर्शन की बात है परमेश्वर, नए अभिषेक की बात है परमेश्वर, नए सामर्थ की बात है परमेश्वर, यीशु के नाम से उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इनके जीवन में यीशु का कार्य, यीशु मसीह का सामर्थ्य कार्य पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर, हमें और दीनता में, हमें और नम्रता में, और हमें और अर्पणता में ले चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी सामर्थ, यीशु की सामर्थ इस एक एक के जीवन में उड़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरा ऐसा कार्य इनके जीवन में पूरा होने पाए प्रभु, तेरी योजना केवल इनके जीवन में पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।